नमस्कार दोस्तों, डीएस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम अभी झांसी रोड पर हैं और यहां से हम एक बहुत ही ज़बरदस्त ऐतिहासिक और प्राकृतिक जगह पर पहुंचने वाले हैं। तो ये वीडियो बहुत कमाल का होने वाला है और बने रहिए इस वीडियो में अंत तक। दोस्तों आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएँ, जिससे कि आपको ऐसी ही जानकारी भरे और कमाल के वीडियो मिलते रहें। तो चलिए अब हम चलते हैं। दोस्तों अभी हम पहुंच चुके हैं धूमेश्वर मंदिर और यहां से मैं अभी बाइक लगाऊंगा अपनी और फिर मैं आपको अंदर का दृश्य दिखाता हूं। दोस्तों अभी हम आ चुके हैं धूमेश्वर मंदिर और ये आप देख रहे हैं धूमेश्वर मंदिर बहुत ही प्राचीन मंदिर है। कहते हैं कि हजारों साल पहले नागवंशी शासकों द्वारा इस मंदिर का निर्माण कराया गया था। दोस्तों इस मंदिर के बारे में मैं बहुत सारी जानकारी और प्राचीन इतिहास आपको बताऊंगा। तो चलिए अब हम चलते हैं मंदिर के ऊपर की ओर और यहाँ पर ये लगा हुआ है विशाल घंटा। देखिए दोस्तों कितना विशाल घंटा यहाँ पर लगा हुआ है। चलो अब हम चलते हैं मंदिर में। दोस्तों पद्मावती नाग राजाओं के शासनकाल में भारत की गौरवशाली नगरी के रूप में प्रतिष्ठित रही होगी। भवभूति के मालती माधव नाटक में पद्मावती की समृद्धि का विवरण उल्लेखनीय है। इतिहासकारों का मानना है कि धूमेश्वर मंदिर का जो निर्माण है नागवंशी राजाओं ने करवाया और बाद में 1605 से 1627 के बीच ओरछा के राजा वीर सिंह देव ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार कराया और उसके बाद 1936 से 1938 के बीच में ग्वालियर के महाराजा चिवाजी राव सिंधिया के द्वारा इस मंदिर का पुनः जीर्णोद्धार कराया गया था। अभी जो आगे का जो भाग है गर्भगृह के आगे, इसका निर्माण बाद के शासकों ने, अभी जो व्हाइट कलर में देख रहे हैं बाद में राजाओं ने करवाया है। और अभी मैं आपको पास में ही एक बहुत ही अच्छी जगह पर लेके चल रहा हूँ। दोस्तों यहाँ पर कथा भागवत धूमेश्वर मंदिर पर होती रहती हैं, श्रद्धालु आते रहते हैं। तो यहाँ पर प्रवचनों के लिए एक बहुत ही सुंदर जगह बनाई गई है और यहाँ पास में ही पार्वती नदी का और काली सिंध का संगम है। तो वहाँ पे मैं आपको अगले वीडियो में लेके चलूँगा। दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। थैंक यू, धन्यवाद।